आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जिला महिला चिकित्सालय में मंगलवार को एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला महिला चिकित्सालय की प्रमुख अधीक्षिका एवं निदेशक डॉक्टर आशा शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य फार्मासिस्ट कार्यालय में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने डॉक्टर आशा शर्मा का सम्मान किया। जिला महिला चिकित्सालय में मंगलवार को एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला महिला चिकित्सालय की प्रमुख अधीक्षिका एवं निदेशक डॉक्टर आशा शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य फार्मासिस्ट कार्यालय में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने डॉक्टर आशा शर्मा का सम्मान किया। सम्मान से गदगद डॉक्टर आशा शर्मा का कहना था कि स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने 35 साल से अधिक सेवाएं दी हैं। लेडी लॉयल हॉस्पिटल में उन्हें अपने सहयोगी साथियों और फार्मासिस्ट विभाग के कर्मचारियों का काफी सहयोग मिला है। मैंने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के पद पर 26 नवंबर 16 में यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया था और मेरी अपने कार्यकाल के दौरान हर संभव यही कोशिश रही मैं अपनी चिकित्सालय के बेहतरी के प्रयास करती रहूँ। और मैं इस बात के लिए लेडी लायल के समस्त चिकित्सा अधिकारियों स्टाफ नर्सिंग स्टाफ फार्मेसी स्टाफ सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे कार्य में उन्होंने सहयोग प्रदान किया और मेरे निर्देशों को पालन करने की कोशिश की, जिसलिए मुझे लगता है कि मेरे कार्यकाल के बाद मेरा चिकित्सालय बेहतर हुआ है। सम्मान समारोह में डॉक्टर आशा शर्मा ने डॉक्टर कंचन अग्रवाल को सीएमएस का कार्यभार सौंपा। इस दौरान डॉक्टर कंचन अग्रवाल ने कहा कि उन्हें डॉक्टर आशा शर्मा से काफी सीखने को मिला है। उनके द्वारा छोड़े गए कार्यों को वो मरीजों के हित में काम करने का भरसक प्रयास करेंगी। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर जो आई है, वैसे मैंने मैडम के साथ में रह करके काफी कुछ मतलब सीखने की कोशिश की है। मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं इस कुर्सी पर बैठ के अपना पूर्ण निष्ठा से काम करूं और मरीजों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके उनको वो सेवा दें। और इसमें मैं अपने पूरे स्टाफ का सहयोग भी चाहूंगी कि जब सबका सहयोग होगा तो ये काम करने में मुझे थोड़ा सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में मौजूद जिला महिला चिकित्सालय के चीफ फार्मासिस्ट एवं जिला फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीरेंद्र ने बताया कि सीएमएस के पद पर रहते हुए डॉक्टर आशा शर्मा ने हॉस्पिटल के सभी स्टाफ के साथ मिलजुल कर मरीजों को अच्छी चिकित्सा सेवाएं देने का कार्य किया। उनकी इन सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। चिकित्सालय की बेहतरी के लिए उनके साथ काम करता रहा था। दिमाग साहब ने हमेशा लड़ाया और हम सब लोगों को बताया कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना। सुबह से ही घर से चलते चलते यहाँ आते आते बुला के फिर उस काम को पूरा कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और यही जिम्मेवारी आज हस्तांतरित हो रही है। हम सब लोग वही टीम है, हम पूरी तरीके से जो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका महोदय आज आई हैं उनका साथ दें। कार्यक्रम में डॉक्टर आशा शर्मा का जिला महिला चिकित्सालय के स्वास्थ्य कर्मियों ने बुके देकर स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कल्याणी मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। अजय बहादुर, सी न्यूज आगरा।